नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष झा है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में कंसल्टेंट की हैसियत से कार्यरत हूं। आज मैं आप सबके साथ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी को हम की होल सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। यह ऑर्थोपेडिक्स की एक नवीनतम तकनीक है जिसके जरिए बिल्कुल छोटे छोटे कट्स लगाकर हम जोड़ों के अंदर दूरबीन के जरिए जोड़ों को स्टडी भी कर सकते हैं और उसके अंदर कोई अगर दिक्कत है तो उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के कई एडवांटेज होते हैं। ख़ास तौर पर इसमें हॉस्पिटल में स्टे का ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। नॉर्मली मरीज एक या दो दिन में ऑपरेशन कराने के बाद अपने घर जा सकते हैं। इस सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस यानी खून का निकलना न के बराबर होता है। इसके अलावा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में रिकवरी रेट बहुत फास्ट होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो स्कार बनता है यानी कि जहां हम टाँके लगाते हैं वहां पे जो निशान आता है वो भी बिल्कुल न के बराबर होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी किन मरीजों पे लागू हो सकता है। आर्थ्रोस्कोपी एक जोड़ के सर्जरी की प्रक्रिया है। जिन मरीजों को घुटने के लिगामेंट में दिक्कत है या कंधे की मांसपेशियों में टूटने की प्रॉब्लम है, खिंचाव है, इन सब मरीजों में हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। खास करके आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की नीड यंग पॉपुलेशन को है, जो एक्टिव है, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या किसी प्रकार के स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजुरी की वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी को करने के लिए मणिपाल हॉस्पिटल पूरी तरह से इक्विप्ड है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्थ्रोस्कोपिक मशीनें हैं, कैमरे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डेडिकेटेड रेडियोलॉजी की टीम भी है जो सर्जरी के पहले हमें ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मरीज की किस लिगामेंट में या कौन सी मांसपेशियों में दिक्कत है और इसकी वजह से हमारा ये टीम अप्रोच काफ़ी कामयाब है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में अब हम नई तकनीकों द्वारा आर्थ्रोस्कोपी से घुटने और कंधे की जटिल से जटिल सर्जरी को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर रहे हैं। धन्यवाद।